कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ काली मंदिर से माता रानी के भक्तों द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने भक्ति में लीन होकर पूरे शहर का भ्रमण किया। अष्टमी के दिन माता रानी के भक्तों ने भक्ति में लीन होते हुए लगभग 121 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली। इस चुनरी शोभा यात्रा की मुख्य विशेषता यह है कि प्रतिवर्ष चुनरी यात्रा में 11 मीटर चुनरी का इजाफा होता है और आज यह यात्रा काफी लंबी कतारों में समाहित होती नजर आती जा रही है। चुनरी यात्रा के दौरान काफी संख्या में महिला और पुरुष भाग लेते हैं और चुनरी को अपने हाथों का सहारा देते हुए माता के जय जयकारों के साथ नगर भ्रमण करते हुए काली मंदिर पहुंचते हैं, जहां से चुनरी शोभा यात्रा की शुरुआत की जाती है। इसके उपरांत विधिवत पूजा पाठ और माता के जयकारों और प्रसाद वितरण के साथ यात्रा की समापन की जाती है। हमारी चुनरी यात्रा इसका दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 51 मीटर की चुनरी निकाली थी, इस वर्ष इसको हम बढ़ाकर 101 मीटर की किए हैं। दो वर्ष बीच में कोरोना काल के चलते यात्रा तो नहीं निकली, पर हमने मंदिर में उसको किया था और ये हर साल 11 मीटर चुनरी बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। ये काली मंदिर वार्ड के 19 से निकल कर काली माता मंदिर से ये चुनरी यात्रा निकाली जाती है। ये लगभग कई सालों से बराबर निकल रही है। 151 मीटर की चुनरी और इस कार्यक्रम को चैत लगे हुए हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। चैत माह का पर्व है ये, नवरात्रि का, उसको हमेशा से ही निकाली। भोपाल में एक मुस्लिम लड़के को फेसबुक पर जय श्री राम लिखना इतना भारी पड़ गया कि उसी के समाज के लोगों ने उसको बुरी तरह से पीट दिया। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है, कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे और जय श्री राम सबको बोलना है, आज नहीं तो कल। और जो लोग मुगालते में है कि जो जय श्री राम का विरोध करते थे कल, वो भी आज राम के शरण में साष्टांग घुटने टेक चुके हैं और रोंदे पड़े हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम हमको बचाओ। तो राम का प्रमाण मांगने वाले भी राम बोलने लगे हैं, राम का विरोध करने वाले भी राम बोलने लगे हैं। और तथाकथित कोई भी अगर फेसबुक पर कोई जय श्री राम लिखता है और तथाकथित लोग अगर उसको डराते धमकाते हैं, तो मेरा उनको भी कहना है कि समझ जाओ, होश में रहो। राम का विरोध हिंदुस्तान तो छोड़ो, अब विश्व में कहीं नहीं चल सकता। अब तो इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश भी वहाँ पर राम कथा और रामायण पाठ कर रहा, पाकिस्तान जैसा देश भी भारत की गौरवशाली संस्कृति को अपनाने वाली बात कर रहा है। इसलिए राम का जय जयकार होना अब किसी को रोके नहीं रुकने वाला है। राम सृष्टि का महानायक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ही मानवीय संस्कृति की रक्षक है।